Game's not over. Star most entertaining romantic couple. And to present the award, may I please welcome Yami Gautam and Ayushmann Khurrana. Feels a privilege announcing this name, Mr. Shah Rukh Khan and Katrina Kaif. अच्छा मैं हिंदी में बोलता रहूंगा तुम अंग्रेजी में बोलती रहो या मैं अंग्रेजी में वन ऑफ द नाइसेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ टू हैव वर्क्ड विद एन एक्टर अ स्टार ऑफ दिस कैलिबर एंड हैविंग सेड दैट आई स्टिल लाइक टू बिलीव कि इस शावा में जो नाच था वो मैंने कटरीना से बेहतर किया था एंड आई कैन अश्योर यू कि जो मेरा स्लाइड है टांगों के बीच में से वो कटरीना नहीं कर सकती बट थैंक यू सो मच कटरीना प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स ऑफ appreciation of having worked with me also so I'll also feel very important yes I will well I don't think I have any credit in this particular award I think any actress or heroine who works with Shah Rukh Khan will always automatically get the best romantic couple of that year because I think he's unbelievably wonderful at romance and yes it was And the other things I'm bad at, action and everything else, I'm really, I suck at all that. No, you're great at that too. But there are many awards coming up and maybe we should dance that Ishq Shava together and then let the audience be the judge. Absolutely. So if you're game, I'm game and if they're okay, I'll come and dance with you. Okay, so then I'll see you soon then in January. No, you have to dance with me now. No, okay. That's not fair. I mean, okay. Come on. But thank you so much, anyways, for everyone and who's voted for us, and thank you for this award. And thank you, Jab Tak Hai Jaan, and thank you, Katrina, once again. Thank you very much. जिन स्टार्स को देखकर पब्लिक के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, अब उन स्टार्स के दिलों की धड़कनें थमने का वक्त आ गया है क्योंकि समय है ये जानने का कि कौन है वो सुपरहिट स्टार्स जिनके नाम आज यहां नॉमिनेशंस में अपनी जगह बना पाए हैं नॉमिनीज फॉर द बिग स्टार मोस्ट एंटरटेनिंग एक्टर फिल्म मेल आर अक्षय कुमार राउडी राठौड़ अगर किसी ने भी ऐसा सोचा तो मैं उसकी जान निकाल लूंगा आमिर खान तलाश ऋतिक रोशन अग्निपथ कांचा से सीधे मिलने के लिए ना मुझे रौफ लाला की जरूरत है ना तेरी रणबीर कपूर बर्फी सलमान खान एक था टाइगर एडमिनिस्ट्रेशन कभी कभी तो मन करता है कि चिल्ला के कहूं जासूसू रॉ एजेंट जेम्स बॉन्ड शाहरुख खान जब तक है जान जिंदगी तो हर रोज जान लेती फॉर्म तो सिर्फ एक बार टू डू द ऑनर्स मे आई प्लीज वेलकम ऑन स्टेज दीपिका पादुकोण एंड डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर लोटस रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड द बिग स्टार मोस्ट एंटरटेनिंग एक्टर मेल गोज टू माय फेवरेट शाहरुख खान बहुत बहुत धन्यवाद बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स का हर एक्टर को इस बात की बहुत खुशी होती है या एक्ट्रेस को या जो भी परफॉर्म करते हैं कि उनके काम को सराहा जाए पसंद किया जाए सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड आई थिंक इट्स एन ऑर्डर दैट आई थैंक सम ऑफ द पीपल बिकॉज आई एम अज्यूमिंग बिकॉज आई हैव ओनली डन वन फिल्म दिस ईयर जब तक है जान सो आई शुड थैंक द टीम ऑफ जब तक है जान विच इंक्लूड्स अनिल मेहता वैभवी मर्चेंट आदित्य चोपड़ा कटरीना कैफ Anushka Sharma and all the others
who've been extremely responsible for making this possible for me and for the film. And a special thank, and I would like to thank God for bringing this gentleman into my life, jinka naam hai Mr. Yash Chopra. Agar wo na hote, to shayad main star hi na hota. To bahut bahut dhanyawad Yash ji ka, aap sab ka, ki aap logon ne mujhe itna samman diya hai. और क्योंकि अब मैं यहाँ पर आया हूँ और इतना बड़ा मंच है, इतना बड़ा स्टेज है, मैं अभिषेक से कह रहा था मैंने इतना बड़ा स्टेज अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है. तो जाने से पहले थोड़ी सी दो लाइनें मैं जब तक है जान की यश जी के लिए कह के जाऊँगा, क्योंकि उनसे मेरा बहुत लगाव था, बहुत प्यार था. इस देश के नहीं, आई थिंक दुनिया भर में सबसे मशहूर और बहुत ही खूबसूरत डायरेक्टर रहे और इमोशनली हमारा बहुत क्लोज नाता रहा है. सो उनके लिए फिल्म से लाइनें. तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरे सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट कर फिर ना देखना, कभी भूलूंगा ना, जब तक है जान, जब तक है जान. थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस. थैंक यू दीपिका, थैंक यू सर. शाहरुख सर, शाहरुख सर, शाहरुख सर, सर एक रिक्वेस्ट सर. सर ध्यान से रुकिए सर. सर अभी बड़ा अच्छा लग रहा है सर. आई जस्ट वांटेड टू फील द ट्रॉफी वंस. दीपिका को नीचे छोड़ के आते हैं सर. मैं भी आता हूँ सर. मैं सर प्लीज आई सर. सर थोड़ा सा अच्छा, सिर्फ उंगली. अच्छा यहाँ तक छोड़ के आई. थैंक यू दीपिका. कितनी लंबी है सर. सर आई सर. दीपिका इतनी लंबी मुझे लगता है घर पर बल्ब भी बदल लेती होंगी खड़े खड़े. सर ये देखिए, ग्लिटर्स एंड ग्लैमर्स ऑल फॉर यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सोनपरी. सर वैसे बड़ा स्टूपिड सा सवाल है पर फिर भी मन कर रहा पूछने का. सर कैसा लग रहा है ट्रॉफी लेके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. माशाल्लाह ऑडियंस ने और लोगों ने इतना प्यार दिया है. मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं लेकिन लकड़ी का बना हुआ अवार्ड पहली बार मिला है. सर एक्चुअली दिस इज जस्ट टू से टच वुड, नजर ना लगे. हाँ और मुझे ऐसा लगता है अपनी आईपीएल टीम के लिए बल्ला भी बना सकता हूँ इसका मैं. जी हाँ सर. सर एक्चुअली मैंने स्पेशली आज रुका. आज अक्षय सर से भी मेरी मम्मी आई हुई है सर आज अवार्ड में. तो मैं आज खास तौर पे बड़े बड़े. तुम अक्षय और मम्मी का नाम साथ में क्यों ले रहे हो? सर किसका? तुमने कहा अक्षय सर और मम्मी. अक्षय सर ने आज जो जो बातें की हैं उसके बाद मम्मी ही याद आई मुझे. अच्छा सर आई लव यू. सर तो खास तौर पे सर मेरी मम्मी का सपना है कि मैं आपके साथ एक बार ऐसे करके आपका स्टाइल एक बार स्टेज पे. बल्ले को नीचे रख दूं मैं? सर बल्ले को यहाँ रखते हैं सर. सर माइक को भी रख देते हैं सर, अच्छा लगेगा आपका. नहीं यू हैव टू, तुम्हें आवाज भी निकालनी पड़ेगी ना, कोई गाना गुनगुनाना पड़ेगा. हाँ बिल्कुल सर. कौन सा वाला गुनगुनाओगे? सर कौन से वाला? तुझे देखा, तुझे देखा. ओके. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम. सर ये बड़ा दीवाना वाला प्यार दिखाया आपने वैसे. आई लव दिस प्यार. जब तुम बड़े हो गए तुम और भी सीख जाओ. जी सर बिल्कुल, आपका आशीर्वाद रहा सर. मैं बिल्कुल बड़ा होऊंगा. थैंक यू सो मच सर. लेट्स ऑल बिगिन फॉर शाहरुख खान. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. थैंक यू एवरीवन. Entertaining romantic couple, and to present the award, may I please welcome Yami Gautam and Ayushmann Khurrana. Feels a privilege announcing this name, Mr. Shahrukh Khan and Katrina Kaif. अच्छा मैं हिंदी में बोलता रहूंगा तुम अंग्रेजी में बोलती रहो या मैं अंग्रेजी में. One of the nicest experiences of my life to have worked with an actor
a star of this caliber. And having said that, I still like to believe ki is shaava mein jo naach tha, wo maine Katrina se behtar kiya tha. And I can assure you ki jo mera slide hai taon ke beech mein se, wo Katrina nahi kar sakte. But thank you so much, Katrina. Please say a few words of appreciation of having worked with me also, so I'll also feel very important. Yes, I will. Well, I don't think I have any credit in this particular award. I think any actress or heroine who works with Shah Rukh Khan will always automatically get the best romantic couple of that year, because I think he's unbelievably wonderful at romance. And yes, it was. And the other things I'm bad at, action and everything else, I'm really, I suck at all that. No. You're great at that too. But there are many awards coming up, and maybe we should dance that Ishq Shava together. And then let the audience be the judge. You know? Absolutely. So if you're game, I'm game. And if they're okay, I'll come and dance with you. Yeah. Okay. So then I'll see you soon then, in January. No, you have to dance with me now. No, that's not fair. I mean, okay. Come on. But thank you so much anyways for everyone and who's voted for us. And thank you for this award. And thank you, Jab Tak Hai Jaan. And thank you, Katrina, once again. Thank you very much. Jin stars ko dekhkar public ke dilon ki dhadkne badh jati hain. अब उन स्टार्स के दिलों की धड़कने थमने का वक्त आ गया है, क्योंकि समय है ये जानने का कि कौन है वो सुपरहिट स्टार्स जिनके नाम आज यहां नॉमिनेशंस में अपनी जगह बना पाए हैं. नॉमिनीज फॉर द बिग स्टार मोस्ट एंटरटेनिंग एक्टर फिल्म मेल आर अक्षय कुमार, राउडी राठौड़. अगर किसी ने भी ऐसा सोचा तो मैं उसकी जान निकालूंगा. आमिर खान, तलाश. ऋतिक रोशन, अग्निपथ. कांचा से सीधे मिलने के लिए ना मुझे रौफ लाला की जरूरत है, ना तेरी. रणबीर कपूर, बर्फी. सलमान खान, एक था टाइगर. एडमिनिस्ट्रेशन कभी कभी तो मन करता है कि चिल्ला के कहूं जासूसू रॉ एजेंट जेम्स बॉन्ड. शाहरुख खान, जब तक है जान. जिंदगी तो हर रोज जान लेती, फॉर्म तो सिर्फ एक बार. टू डू द ऑनर्स, मे आई प्लीज वेलकम ऑन स्टेज दीपिका पादुकोण एंड डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, लोटस रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड. द बिग स्टार मोस्ट एंटरटेनिंग एक्टर मेल goes to my favorite Shah Rukh Khan. बहुत बहुत धन्यवाद बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स का. हर एक्टर को इस बात की बहुत खुशी होती है, या एक्ट्रेस को, या जो भी परफॉर्म करते हैं, कि उनके काम को सराहा जाए, पसंद किया जाए. सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड आई थिंक इट्स एन ऑर्डर दैट आई थैंक सम ऑफ द पीपल बिकॉज आई एम अज्यूमिंग बिकॉज आई हैव ओनली डन वन फिल्म दिस ईयर, जब तक है जान. सो आई शुड थैंक द टीम ऑफ जब तक है जान विच इंक्लूड्स अनिल मेहता, वैभवी मर्चेंट, आदित्य चोपड़ा, कटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा एंड ऑल द अदर्स हु हैव बीन एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल फॉर मी एंड फॉर द फिल्म. एंड अ स्पेशल थैंक एंड I would like to thank God for bringing this gentleman into my life, jinka naam hai Mr. Yash Chopra. Agar wo na hote, to shayad main star hi na hota. To bahut bahut dhanyawad Yash ji ka, aap sab ka, ki aap logon ne mujhe itna samman diya hai. Aur kyunki ab main yahan par aaya hoon aur itna bada manch hai, itna bada stage hai, main Abhishek se keh raha tha, maine itna bada stage apni zindagi mein kabhi nahi dekha hai. To jaane se pehle thodi si do line mein जब तक है जान की यश जी के लिए कह के जाऊंगा, क्योंकि उनसे मेरा बहुत लगाव था, बहुत प्यार था. इस देश के नहीं, आई थिंक दुनिया भर में सबसे मशहूर और बहुत ही खूबसूरत डायरेक्टर रहे और इमोशनली हमारा बहुत क्लोज नाता रहा है. सो उनके लिए फिल्म से लाइनें, तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरे सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट कर फिर ना देखना, कभी भूलूंगा ना, जब तक है जान, जब तक है जान. थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस. थैंक यू दीपिका, थैंक यू सर.
शाहरुख सर एक रिक्वेस्ट सर ध्यान से रुकिए सर आइए सर अभी बड़ा अच्छा लग रहा है सर आई जस्ट वांटेड टू फील द ट्रॉफी वंस दीपिका को नीचे छोड़ के आते हैं सर मैं भी आता हूँ सर मैं सर प्लीज आई सर सर थोड़ा सा अच्छा सिर्फ उंगली अच्छा यहाँ तक छोड़ के आई थैंक यू दीपिका कितनी लंबी है सर आई सर दीपिका इतनी लंबी मुझे लगता है घर पे बल्ब भी बदल लेती होंगी खड़े खड़े सर ये देखिए ग्लिटर्स एंड ग्लैमर्स ऑल फॉर यू थैंक यू सोनपरी सर वैसे बड़ा स्टूपिड सा सवाल है पर फिर भी मन कर रहा पूछने का सर कैसा लग रहा है ट्रॉफी लेके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे माशाल्लाह ऑडियंस ने और लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं लेकिन लकड़ी का बना हुआ अवार्ड पहली बार मिला है सर एक्चुअली दिस इज जस्ट टू से टच वुड नजर ना लगे हाँ और मुझे ऐसा लगता है अपनी आईपीएल टीम के लिए बल्ला भी बना सकता हूँ इसका मैं जी हाँ सर एक्चुअली मैंने स्पेशली आज रुका आज अक्षय सर से भी मेरी मम्मी आई हुई है सर आज अवार्ड में तो मैं आज खास तौर पे बड़े बड़े तुम अक्षय और मम्मी का नाम साथ में क्यों ले रहे हो सर किसका तुमने कहा अक्षय सर और मम्मी सर ने आज जो जो बातें की हैं उसके बाद मम्मी ही याद आई मुझे अच्छा सर आई लव यू सर तो खास तौर पे सर मेरी मम्मी का सपना है कि मैं आपके साथ एक बार ऐसे करके आपका स्टाइल एक बार स्टेज ओके बल्ले को नीचे रख दूं मैं सर बल्ले को यहां रखते हैं सर सर माइक को भी रख देते हैं सर अच्छा लगेगा आपका नहीं यू हैव टू आवाज भी निकालनी पड़ेगी ना कोई गाना गुनगुनाना पड़ेगा हां बिल्कुल सर कौन सा वाला गुनगुनाओगे सर कौन से वाला तुझे देखा okay. तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम सर ये बड़ा दीवाना वाला प्यार दिखाया आपने वैसे आई लव दिस प्यार जब तुम बड़े हो गए तुम और भी सीख जाओ जी सर बिल्कुल आपका आशीर्वाद रहा सर मैं बिल्कुल बड़ा होऊंगा थैंक यू सो मच सर लेट्स ऑल बिगिन फॉर शाहरुख खान थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीवन
असर हर एक जिस तरह दुआ मिले बाखुदा नमस्कार, मैं रामचंद्र स्वामी आपको बताऊंगा कि आप न्यू रिलीज हुई मूवी जैसे रईस, काबिल और नई आने वाली मूवीज कहां से और कैसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि यूट्यूब पर आप यह मूवीज क्यों नहीं देख सकते। भैया जी, क्या होता है कि यूट्यूब और फिल्म निर्माता के बीच एक एग्रीमेंट होता है जो अधिकतर 60 दिन की अवधि का होता है, जिसके तहत यूट्यूब हमें न्यू मूवी उसके रिलीज पीरियड में अपलोड करने की परमिशन नहीं देता है। हाँ, लगभग 60 दिन के बाद आप ये मूवी यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसके और भी कई कारण हैं जो मैं आपको बताऊंगा तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। जो भी हो, हमें तो मूवी देखनी है। वीडियो देखने वाले भैया जी, मेरा आपसे एक और निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं आपको इसे शेयर या लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे दबाकर आप मुझसे जुड़ जाइए और यूट्यूब पर अनेकों मज़ेदार वीडियो देखिए। इसका कोई चार्ज या पैसा नहीं लगेगा। भैया जी, मुझे पूरा विश्वास है आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलो तो अब आपको बताते हैं न्यू मूवी कहाँ से देखें। सबसे पहले तो भैया जी, आप अपना गूगल ओपन कर लीजिए, ठीक है। गूगल ओपन करने के बाद में आपको इसमें सर्च करने करना पड़ेगा filmyweb.com, जिसकी मीनिंग है filmyweb.com। आप इसे सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपको जो ये ऊपर ही ऊपर दिख रहा है ना, ये फिल्मी वेब डॉट हिंदी पंजाबी हॉलीवुड, ये इसके ओपन कीजिए, ठीक है भैया जी। ये आपकी वेबसाइट खुल गई है। इसे ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि जो न्यू बॉलीवुड मूवीज हैं यहाँ पे ये दे रखे हैं, रईस भी है, काबिल भी है। ये जो मूवी आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलती है तो आप नीचे आ जाइए और जो ये लेटेस्ट बॉलीवुड मूवी दे रखी है इसे क्लिक कीजिए। खुलने में थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब जो आपके ये दिख रही है लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज, आप इसे ओपन कीजिए। इस वेबसाइट में कभी कभी क्या होता है, जैसे आप चलाएंगे तो बीच बीच में कई एड्स वगैरह भी आ जाती हैं, तो उनमें बैक कर दिएगा आप अगर आपके पास आती हैं तो ठीक है। आप यहाँ मूवी सर्च करके भी इसे ढूंढ सकते हैं, वैसे नहीं मिलती है तो। और वैसे आपकी ये रईस, ये काबिल, ये दोनों मूवीज हैं, आप जिसे देखने हैं उसे ओपन कीजिए। जैसे रईस देखनी है तो आप पहले इस रईस को ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद आप थोड़ा नीचे आ जाइए, नीचे आपकी ये मूवीज आ गई है, ठीक है। जो नीचे डाउनलोड दे रखा है तो आप अगर HD में देखना चाहते हैं तो ये डाउनलोड 720p लिख रखा है ना, ये 696 MB की, आप इसे डाउनलोड करके इसमें देख लीजिए, ठीक है। और अगर आप काबिल देखना चाहते हैं तो आप काबिल पे क्लिक कीजिए और वही नीचे आ जाइए और वही नीचे नीचे वाले डाउनलोड कर लीजिए अच्छी क्वालिटी में। तो
ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। 2017 में बॉलीवुड में आने वाले 8 नए चेहरे। लगभग 8 स्टार किड्स के साथ साथ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी एक्टर भी बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि 2017 में सिल्वर स्क्रीन पर पहली बार नजर आने वाले 8 नए चेहरों के बारे में। सारा अली खान। सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान करण जौहर की रोमांटिक फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से डेब्यू करने जा रही हैं। जाह्नवी कपूर। श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर अपने डेब्यू को लेकर काफी वक्त से चर्चाओं में हैं। जाह्नवी सैराट मूवी के रिमेक से बॉलीवुड में कदम रखेंगी। ईशान खट्टर। जाह्नवी कपूर के साथ साथ जो एक्टर लीड रोल में होंगे वो बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर हैं। अहान सेठी। सलमान खान सुनील शेट्टी के बेटे अहन शेट्टी को बॉलीवुड में लॉन्च कर रहे हैं। दिशानी चक्रवर्ती। एक चौंकाने वाली खबर आई है कि अपने जमाने के जाने माने डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती भी बॉलीवुड में जल्द डेब्यू कर सकती हैं। आलिया अब्राहम। पूजा बेदी की बेटी आलिया अब्राहम ने इन दिनों अपनी हॉटनेस से सोशल मीडिया पर सनसनी मचा रखी है, वो भी जल्द बॉलीवुड में नजर आएंगी। कृष्णा श्रॉफ। अपनी बोल्ड तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर सुर्खियों में आई जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ भी जल्द बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। आर्यन खान। अगर बात की जाए मेल स्टार किड्स की तो बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का बेटा आर्य खान भी बॉलीवुड में डेब्यू के लिए बेकरार है। अब देखना यह है कि इन न्यू कमर स्टार किड्स में से किसको करना पड़ेगा इंतजार और किसकी खुलेगी किस्मत। पत्रिका न्यूज रूम से भूप सिंह चौधरी की रिपोर्ट। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस बाय कैटरीना कैफ, ग्रेट होस्टिंग करण एंड फरहान। ए डूड डूड डूड, क्या कर रहा है यार? दैट्स माय माइक। नो नो नो, दैट्स माय माइक लेडीज एंड जेंटलमैन। दैट्स माय माइक। No, Ranveer. It's my mic. That's my mic. Achha? My mic. That is my mic. Abhe. My mic. Ramu Bistra! That's my mic. Pappu, mood lighting! My mic. My mic. My mic. My mic. My mic. It's 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 my mic. My mic. My mic. My mic. My mic. It's my mic. My mic. It's my mic. Hi, Karan. Hi. I'm hot in here. Very hot, yeah. Very hot, but. Listen, you guys are just the ones. I've decided you guys are the ones. You both will be in Dostana 2. Dostana 2? Yeah, totally, totally. I'm very excited. I'm very excited. Very happy, very happy. So, Karan. Yeah, yeah. Signing amount? No. No? No. Then, why? In the history of Indian cinema, for the first time, actors will not get a signing amount. Why? You will get a signing costume. ये खोलो और तुम दोनों ये पहनो गे। इसमें तो कुछ नहीं है, यही पहनना है।
naughty boy. See, John ने यहाँ तक खींचा था, तो थोड़ा आगे, you know, sequel पीछे, you know what I mean? Chew on that. I don't but, mind. I know. You've done it before. I know. What you do is, you chew on that. I'll go write the sequel with Tarun. Yeah. Sure. All right. Best of luck, boys. Thanks. Bye bye. यार मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू नो, क्योंकि मेरा बहुत है, पता है, देख चुका हूं तुम बड़े बोझ, यू आर द नॉटी बॉय, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट डायगनली, आप थोड़ा काम करें, या प्लीज, नेक्स्ट इज द 54th आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी एंड द नॉमिनीज आर The nominations for Best Story. Let's make some music now, huh? Abhishek Kapoor for Rock On. It's boiling in here. Why, Nawab sahab? AC ki aadat lag gayi kya? Main bhi Papa Ji ki taraf fauj mein jaunga. Asim Arora for Heroes. Oye, to maa ka khayal kaun rakhega? Maa sab ka khayal rakhti hai. Apna bhi rakh lo. Oye, isko kaha leke ja rahe ho? Dibakar Banerjee. उर्मी जुवेकर फॉर ओए लकी लकी ओए ओके और मैडम हैप्पी बर्थडे मैं इब्राहिम खान इखलाक अहमद नीरज पांडे फॉर अ वेंसडे और इनफैक्ट अब आप लोग मेरा ये काम पूरा करेंगे संतोष सिवन फॉर तहान कान क्यों ढक रहा है गधा एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है और इन्हें प्रेजेंट करने के लिए हम बुलवाना चाहेंगे ऑन स्टेज अतुल कुलकर्णी और नील नितिन मुकेश को गुड इवनिंग एवरीवन एंड द अवार्ड गोज टू अभिषेक कपूर फॉर रॉक ऑन दिल करता है टीवी का घर पे मैं चढ़ जाऊं चिल्ला चिल्ला के मैं ये सबसे कह दूं वाओ दिस इज रियली फैंटास्टिक आई वांट टू थैंक फिल्मफेयर आई वांट टू थैंक माय प्रोड्यूसर्स रितेश एंड फरहान आई वांट टू थैंक माय पेरेंट्स बिकॉज़ दे हैव बीन सो सपोर्टिव ऑफ मी थ्रू ऑल माय फेलियर्स एंड माय रियली ट्रबल डेज आई जस्ट लव दिस थैंक यू वेरी मच I want to thank my entire team of Rock On. And actually, I could go on and on. I'm just getting warmed up. thank you. Congratulations, Abhishek Kapoor. Well deserved. Yeah, RK, aajkal bahut sare cinema greats ke books aa rahe hain, you know? SRK, Amit Ji, Dev Saab. Yes, and that's so interesting, man. I mean, in fact, main kabhi kabhi ye sochta hoon ki kuch aise celebrity books likhi jaye jo hamare kaam aaye, you know? In the practical sense. Like Jawani Ka Noor by Anil Kapoor. Safedi Ki Muskaan by Abbas Mastan. Nice. Block Pade Hindustan by Aamir Khan. Pure Hue Arman by A.R. Rahman. Acting Se Katti, Cricket Se Batti by Shilpa Shetty. Lucky Hai Indian Soil by Danny Boyle. Haseenao Pe No Rehem by John Abraham. Anyway, ab isse pehle ki there's a book written on how to shut up your hosts. आगे बढ़ते हैं द 54th आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले एंड द नॉमिनीज आर द नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले अब्बास टायरवाला फॉर जाने तू या जाने ना अभिषेक कपूर तुबाली चौधरी फॉर रॉक ऑन रिमेंबर अजय मोंगा अनुराधा तिवारी मधुर भंडारकर फॉर फैशन तुम इस मॉडलिंग वर्ल्ड को जानती हो रानी यू बास्टर्ड शिराज अहमद फॉर रेस ये सब पता चल गया जियो यू कॉकरोच योगेश जोशी उपेंद्र सिधाए फॉर मुंबई मेरी जान बाबा अस्पताल वगैरह रूपाली ये एक सरकारी अस्पताल है एंड द अवार्ड गोज टू योगेश जोशी एंड उपेंद्र सिद्धार्थ फॉर मुंबई मेरी जान
नमस्कार। फिल्म मुंबई मेरी जान 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में जो बम धमाके हुए उस घटना पर आधारित थी। आतंकवाद का सामना करते करते आज तक जितने भी जवान और पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, ये पुरस्कार हम उनको समर्पित कर रहे हैं। जय हिंद। स्क्रीन प्ले के बाद है द 54th आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डायलॉग्स एंड द नॉमिनीज प्लीज। द नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट डायलॉग, अब्बास टायरवाला फॉर जाने तू या जाने ना, इंसाफ का यही तकाजा था बढ़िया। के पी सक्सेना फॉर जोधा अकबर, अधम ने गलत जिरत की थी। मनु ऋषि फॉर ओए लकी लकी ओए, या तुम तीन या ये दो, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कुछ भी बोल दो। मैंने शहर में 5 अलग नीरज पांडे फॉर अ वेंसडे, और ये सारे बॉम्ब्स 6:30 पे ब्लास्ट। योगेश विनायक जोशी फॉर मुंबई मेरी जान, जल्दी पकड़ो साहब, बॉम्ब स्फोट के इतने दिन हुए अभी तक किसी को पकड़ा नहीं। टू डू द ऑनर्स प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मनमोहन शेट्टी। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, द अवार्ड फॉर द बेस्ट डायलॉग गोज टू मनु ऋषि फॉर ओए लकी लकी ओए। बहुत सुंदर है यार ये लड़की, कमाल की। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, मर्जी है आपकी, आप किसे चाहे आधा रणबीर या पूरा इमरान लीजिए। ब्रेक में किस्मत मेरी। अरे मामा ये चम्मच के साथ आप क्या? अरे दया भाई बीमारी ही ऐसी है, अपने डॉक्टर है ना शंभू शरण, दवा देते वक्त कहा था दो। मैंने कहा किस्मत मेरी। अरे मामा ये चम्मच के साथ आप क्या? अरे दया भाई बीमारी ही ऐसी है, अपने डॉक्टर है ना शंभू शरण, दवा देते वक्त कहा था दो।